नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं सीएम इंडिया टीवी बिहार। भारतीय परिवारों के लिए छठ पूजा त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और मैं नजारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पुलिस प्रशासन की जो टीम है ये तालाब में तैर रही है और ये नजारा है अंगवारी धाम का। ये चारों तरफ जरा मैं दिखाना चाहूँगा। बेटा जरा पीछे हटो, पीछे हटो, जरा चारों तरफ का नज़ारा दिखाओ आने जाने वाले लोगों को। बिहार के नालंदा जिला स्थित अंगवारी धाम बहुत ही पावन स्थल है। भगवान भास्कर का मंदिर सामने दिखाई दे रहा है। जो आम जनता है, जो लोग सबसे, चलिए हम सबसे पहले आपसे पूछेंगे बाबा, इधर आओ दीदी, आप छठ पूजा मनाए हैं? दीदी एक मिनट रुकिए, अरे आप कर रहे हैं छठ पूजा मनाए, क्या मांगे छठ पूजा से, क्या मांगे? इधर लो, क्या मांगे? बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं, जो अर्घ देकर के निकले हैं उनसे भी पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने सूरज भगवान से क्या मांगे, भगवान भास्कर से क्या मांगे हैं। आइए, बहुत सारे लोग कोरोना जैसा बीमारी चला है, सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि छठ पूजा के घाट पे जाना मना है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ हजारों की भीड़ है। आपका श्रद्धा है भगवान भास्कर, आप परिवार छठ पूजा कर रहे हैं, छठ पूजा के बारे में बताइए ना भाई, आप दुकान कर रहे हैं, कैमरा पीछे लगा चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएम इंडिया टीवी से बात करने के लिए। और कोई है? जरा इधर आइए, जरा बात करेंगे सर, जरा हमसे बात कीजिए, इस तरफ घूमिए ना। छठ पूजा के बारे में आप भगवान पे आए हुए हैं, कितना सदा आप भगवान पे रहते हैं? इधर कहते हैं आप,
आप नहीं कुछ बोलेंगे, आपकी लाइन में युवा है। अच्छा चलिए ठीक है दीदी, आप बताइए छठ पूजा के बारे में बताइए। छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जो विश्व के हमारे धाम पे आए हैं, इससे और कितना कोई बात करेंगे हमसे, आप बात करेंगे समय तो एक मिनट का बात कीजिए। छठी मैया से क्या मांगा, सबका क्या पूरा होगा? यहाँ कैमरा इधर लगा, आप अकेला ये करना। अच्छा एक चीज़ और कहना था कि सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि जो कोरोना बीमारी चल रहा है इसके वजह से भीड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ही मैं दिखा रहा हूँ हजारों की तादाद में भीड़ है। कोरोना बीमारी पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि भगवान भास्कर बीमारी दूर कर देंगे? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो देखा है आपने भगवान भास्कर में इतनी श्रद्धा है कि कोई भी बड़ी से बड़ी भी बीमारियां होती है तो खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। लोग अपने परिवार के साथ में छठ पूजा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और उनमें एक जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा को पूरा करने अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने बिजनेस के लिए ये छठ पूजा रखते हैं बहुत सारे। और गौतम से मैं बिहार के नालंदा जिला स्थित अंबारी धाम पे हूँ और यहाँ से आप लाइव तस्वीरें, लाइव वीडियो आप देख रहे हैं और सीएम इंडिया टीवी के तरफ से लाइव संदेश आपको दिया जा रहा है कि अगर भगवान भास्कर हैं तो कोरोना जैसी 500 भी बीमारियां अगर हमारे पास आ जाती है तो हमारे और हमारे परिवार को, हमारे समाज को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी बिहार। नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।